तो आज हमारे शॉप पे आए हमारे सब्सक्राइबर मिस पूनम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। और आप हैं? जी बारू। हर्षित मलिका दानिश जी। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है। मैम आप कल पहुंच गए थे सभी लोग, और मैं उतनी बातें भूल गया जितनी बातें आपने याद दिलाई सारी चीजें, उससे पता चला कि आप कितने अच्छे से आप ब्लॉग देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार बनाए रहे। तो कहाँ थैंक यू। बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आना जी। आपको चाय पीना और पकौड़े विद ग्रीन चटनी, दासू चटनी कीजिएगा। थैंक यू। तो अभी कैसा कैसा ट्रिप रहा आप लोगों का? बहुत बढ़िया। कैसे प्लान बना, कितने दिन का बना? हाँ, बिटिया आई थी बाहर से, कनाडा से। अच्छा, तो बस दो दिन में ही हमारा प्रोग्राम बना। चलते हैं जिम कॉर्बेट घूम कर आते हैं। जी, क्योंकि मैं डेली ही ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम सर को भी लेके आइएगा। तो दानिश जी आपको क्या क्या दिखा? एनिमल्स, सांबर, टाइगर जिसकी तलाश थी वही नहीं दिखा। हम लेके घर वापस जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वही सोच के फिर आएंगे। ओके, शायद दिख जाए। घर पे कौन कौन देखता है चैनल हमारा? घर पे मैं देखती हूँ, मेरे हस्बैंड देखते हैं। हाँ, और जब मेरी मेड आती है वो तो बड़ा मजा आता है। जैसे ही मैं बैठती हूँ ब्लॉग देखती हूँ, आएगी बैठेगी, अरे भाभी ये जो शेरा है, बैठ जाएगी मेरे पास। अरे ये तो जंगल है, वो सबको जानती है। जैसे मैं आपको देखती हूँ तो उसे अच्छा लगता है, और आगे काम वाम सब छोड़ देगी, उसे ये नहीं पता मैंने कोई काम करना, बैठ के ब्लॉग देखेगी। एक आपका देखेगी और एक युवराज भाई का देखती है, युवराज भाई का भी उसे बड़ा अच्छा लगता है। सारे हम देखते हैं, विवेक अवस्थी जी का हम देखते हैं तो बहुत मजा आता है जी। उनको रात को आता है तो हम रात को देखते हैं। उनके चैनल से बहुत नॉलेज मिलती है। अब मैंने जैसे जंगल की सफारी की, मैं बच्चों को बता रही हूँ तो वो कह रहे हैं आपको मैडम बहुत कुछ नॉलेज है। मतलब कि हमारे ड्राइवर साहब ने यही बोला कि आपको बहुत नॉलेज है। मैंने मैं डेली देखती हूँ तो मेरे को इस करके नॉलेज है। बिल्कुल। हाँ, ये अच्छा लगता है। जी, वो भी अच्छा है। देखेंगे दिखने वाला है। अच्छा, खुद भी बनाता था। तो आपने छोड़ दिया क्या? वो थोड़ा जॉब की टाइमिंग की वजह से। कितने सब्सक्राइबर थे आपके उस टाइम? 400 के हुए थे दो तीन मंथ में मतलब। अरे वाह, स्टार्टिंग में। अरे वाह, उसके बाद से मतलब मैंने। किस नाम से आपका? मेरा हर्षित फिटनेस के नाम। अच्छा, जिम वगैरह कहीं करते हैं? जिम का और डेली ब्लॉग। डेली ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा? अरे वाह, जरूर देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों से मिल के। ओके, बाय बाय। आंधी तूफान आ गया दोस्तों, बहुत खतरनाक। और मैं जा रहा हूँ अभी घर को, वैसे पेड़ का खतरा रहता है बस आंधी तूफान में तो। और अभी हमारा कई सामान बाहर पड़ा हुआ है तो फटाफट से घर निकलता हूँ। जो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में ब्राउन, और इस तरफ को मौसम साफ है। तो ये सारी धूल है, ये धूल उड़ के आ रही है। और उनका यूनिफॉर्म और कपड़े वगैरह वॉश कर रखे हैं घर पे ऐसे पड़े हैं। फटाफट से पहले वो करते हैं ठीक, वो उठाते हैं। बहुत खतरनाक हवा चल रही है बाहर, पेड़ देखिए सामने वाला। अब एक पेड़ पे मुझे और जाना है, उस वाले पेड़ से, उस पेड़ का खतरा है बस। इतने तूफान में भी बच्चे यहाँ साइकिल चला रहे हैं। सामने धूल बहुत बुरा हाल है। ये है जुआ बैलों का और ये है हल। तो ये कल हमने यहाँ पे अदरक लगाना है तो इसलिए वो ताऊ जी आए होंगे उनके पास बैल है, यहाँ पे हमने पूरा अदरक लगाना है पीछे की एरिया में। वो गेट बंद था तो यहाँ पे वो छोड़ गए सामान। सबसे पहले तो कपड़े रखते हैं अंदर। ये चेक करिए तूफान,
पूरी कोसी की धूल उड़ गई। वाह कितना खतरनाक लगता है यार। ये भी उड़ नहीं पा रहे, देखिए उड़ नहीं पा रहे हैं, इतना प्रेशर है हवा में कि सारस जैसे एक बर्ड होती है वो भी उड़ नहीं पा रहा है, हवा का इतना प्रेशर है। उसके साथ वाला एक ये है, दो ये हैं और तीन ये पहुंच गए। अभी हूँ मैं घर के पीछे वाले एरिया में, पर मुझे दो तीन पत्थर रखने हैं क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत तेज पड़ रहा था कि टीन हल्के से ऐसे उठ रही है ऊपर। लगा दिया है गेट मैंने, अब मैं फिर से वापस गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ और तूफान के साथ साथ अब बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की फुल्की है पर अभी। और मैं अभी इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि जो सामने ये सेमल का पेड़ है, ये वाला पेड़, ये भी बहुत तेज घूम रहा है कि कभी कोई डाल टूट के गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ से शॉप तक वापस जाने के लिए भी पूरा सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि काफ़ी तेज़ हिल रहे हैं। और ये है अभी स्टार्टिंग तूफान का, अगर तूफान को जैसे कल आया और आज की बात होती तब तो जो फर्स्ट जो तूफान होता है चांसेस उसमें होते हैं पेड़ वगैरह टूटने के। तो अभी मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, थोड़ा हवा शांत हो जाएगी उसके बाद ही मैं निकलूँगा यहाँ से। बिजली भी चमक रही है साथ में। गाड़ी घुमा के लगा दी मैंने, ये साल का पेड़ सामने, ये भी काफ़ी तेज़ घूम रहा था और मैं अभी एकदम खुले में रुका हुआ हूँ। इस पेड़ से भी दूर हूँ सामने वाले पेड़ और इस पेड़ से भी दूर हूँ, और हवा का डायरेक्शन है ऐसे, मतलब कि गांव की तरफ को। बस एक घंटा बारिश हो जाए और अच्छा सा हो जाए शांत शांत से, ऐसे तूफान में तो बड़ा डर लगता है। ऊपर देखिए बादल, ऊपर से कहीं से उड़ के आए हैं, इतना तो बरस ही गया कि जमीन गीली कर ही दी है। पर हवा भी थोड़ा शांत हो चुका है तो निकलते हैं धीरे धीरे यहाँ से। चलिए दोस्तों निकल रहे हैं यहाँ से। अगर आज रात बारिश हो जाती है अच्छी खासी तो कल जो बैल आने वाले हैं जुताई के लिए उनके लिए थोड़ा ठीक हो जाएगा, इजीली खींच सकते हैं हल को, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी बैलों को। मैं थोड़ा दूर दूर से निकल रहा हूँ पेड़ों के दूर दूर से, और इस वाले एरिया से थोड़ा तेज निकल रहा हूँ ताकि पेड़ों से निकल जाऊँ दूर। बिजली भी चमक रही है खतरनाक। ये बारिश है भी जरूरी क्योंकि जो जंगलों में आग है, जो पोल्यूशन है, डस्ट है, वो सारी साफ हो जाएगी और फिर जल्दी जल्दी से घास निकलेगा जानवरों के लिए सही है घास। ये तूफान जब आता है तो नुकसान भी करता ही है। अभी आम का सीज़न है और लीची का सीज़न है, रामनगर में तो आम और लीची तो बहुत फेमस है, वो भी गिरा देता है, नुकसान हो जाता है। चलिए आगे मेन रोड पे,
भाई ने भी सौंप पढ़ा ली है, तो हम भी जाके फटाफट से सौंप समेटते हैं और वापस घर। अभी पहुंच गए हैं दोस्तों हम घर पे और मौसम अभी बिल्कुल साफ है और तेज हवाएं चल रही हैं। ये देखिए तेज हवा चल रही है और चांद भी आया हुआ है, तो अभी मौसम हो चुका है साफ। बारिश थोड़ा ही बरसा था उसके बाद सही हो गया था। और इस तरफ को खड़े देखे डियर, ये देखिए कितने सारे डियर खड़े हैं। कल करेंगे हम यहाँ इधर वाले दो प्लॉट पे जुताई। ये आ चुका हल, ये हल है और जुआ जो बैलों के कंधे पे रखते हैं वो मैंने अंदर रखा है, क्योंकि भूरी और मोंटी उस पर जो रोप लगी होती है उसको काटने में लगे थे तो मैंने ऊपर रख दिया है। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारी गाड़ी का नंबर आ चुका है UK 19 B 4347।